इस वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ कि DigiPay का जो 6.0 न्यू वर्जन आया है उस वर्जन को आपके लिए जो है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में डाउनलोड कैसे करना है, और इसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपके लिए इंस्टॉल कैसे करना है और आपके लिए यूज कैसे करना है, तो सारी जानकारी आपके लिए इस वीडियो में मिलने वाली। इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर सबसे पहले आपके सिस्टम में जो पुराना DigiPay है उसे आपके लिए जो है डिलीट कर देना है पूरी तरह से, और इसके बाद ही आपके लिए जो है ये न्यू DigiPay जो है इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए, और यहाँ पर ये कंप्यूटर में जाना है आपके लिए सी ड्राइव में, और यहाँ पर जो है सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पर आपके लिए जो है ये देखेगा CSE गवर्नेंस, तो इसे आपके लिए जो है डिलीट कर देना पहले, और इसके बाद ही आपके लिए जो है न्यू DigiPay डाउनलोड करना है। अगर आप DigiPay 6.0 का न्यू वर्जन अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं और मोबाइल में यूज करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए डाउनलोड करने के लिए गूगल में जाना है और यहाँ पर आपके लिए सर्च करना है DigiPay। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है DigiPay सर्च किया, अब यहाँ पर आपके लिए जो है डाउनलोड DigiPay पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपके सामने सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलता है DigiPay 6.0 फॉर विंडोज न्यू, इस पर आपके लिए जो है डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। मैंने जो है पहले ही डाउनलोड कर लिया है, और इस वेबसाइट का लिंक आपके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक कर भी आप जो है सीधे इस पेज पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जो ये देख सकते हैं मैंने जो है पहले ही डाउनलोड कर लिया है। अब इसे जो है इंस्टॉल करने के लिए आपके लिए यहाँ पर क्लिक करना है इस पर राइट, और इसके बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये फाइल आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं DigiPay सेटअप। अब यहाँ पर आपके लिए DigiPay लिखा है, यहाँ पर ये लोगो देखेगा आपके लिए, तो यहाँ पर आपके लिए जो है लेफ्ट राइट क्लिक करके और रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर यस करना है, और इसके बाद जो है आपके लिए एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करना है यहाँ पर, और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आपके लिए नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपके लिए क्रिएट ए डेस्कटॉप शॉर्टकट पर क्लिक करके आपके लिए नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके लिए इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो DigiPay है वो इंस्टॉल होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो DigiPay है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जो है फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं फिनिश पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो है DigiPay का ये लोगो आ चुका है, तो यहाँ पर मेरे पास जो है DigiPay अब इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से मैं जो है DigiPay को ओपन करता हूँ, पहले जो है मेरे सिस्टम से जो है मैं मॉर्फो डिवाइस को कनेक्ट करता हूँ। अब मैंने जो है फिंगरप्रिंट डिवाइस को कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं जो है CSC ID डालता हूँ, और यहाँ पर ये टिक लगा के मैं यहाँ पर जो है प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी प्रोसेसिंग जो है चल रही है। अब यहाँ पर ये जो है थोड़ा समय ले सकता है। अभी भी आप देख सकते हैं जो है प्रोसेसिंग चल ही रही है। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है कि आप जो OTP किस माध्यम से लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं जो मोबाइल को जो मेरा सिलेक्ट है पहले से ही, तो मैं मोबाइल पे ही लेता हूँ और जनरेट OTP पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं जनरेट OTP पर क्लिक करता हूँ तो मेरे मोबाइल पर जो OTP आ जाता है, तो OTP मैं यहाँ पर जो एंटर करता हूँ। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पर आपके लिए जो है चेकबॉक्स लगा देना और ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। तो अब आपकी जो फिंगरप्रिंट डिवाइस की जो है लाइट जलेगी, तो आपके लिए जो अपना फिंगर रखना है अपने डिवाइस पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो है हमारा ऑथेंटिकेशन हो रहा है। अब यहाँ पर ये कुछ समय ले सकता है, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है जो DigiPay है वो इस तरह से आपके सामने जो है ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो 6.0 में सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि आप जो है मिनिमाइज मैक्सिमाइज और यहीं से कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो है अपने माउस की मदद से आप इसे जो है छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। और अब इसके बाद हम इसे जो है फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके लिए जो है डैशबोर्ड देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपके लिए जो है आपका नाम और CSC ID दिखती है। यहाँ पर आपके लिए जो है वॉलेट बैलेंस दिखता है कि आपके जो है DigiPay में कितना बैलेंस है अभी, और यहाँ पर आपके लिए जो है ये सारी जानकारी दी है नीचे, और यहाँ पर आप जो है कितने ट्रांजेक्शन करते हैं वो आपके लिए यहाँ पर ये जो है शो होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब हम जाएंगे विड्रॉ में, तो विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है इस तरह का जो है ऑप्शन दिखते हैं।
जैसे कि बैंक, कस्टमर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर का ऑप्शन अब यहाँ पर जो जुड़ चुका है, जो कि मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ मोबाइल वाले सिस्टम में। यहाँ से आप जो मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, यहाँ से आप जो बैलेंस चेक कर सकते हैं, और ये है वॉलेट टॉपअप। तो यहाँ पर जो है क्लिक करके आप सीधे ही अपने जो CSC का जो डिजिटल सेवा पोर्टल का जो हमारा वॉलेट है, उसे हम यहीं से जो है रिचार्ज भी कर सकते हैं, और यहाँ से हम जो है हमारा पे आउट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें जो है पासबुक देखने को मिलती है। तो यहाँ से हम हमारे जो है सारे